क्या है फराज? आपका नाम अरीम है? जी क्यों? हम आपको असफन इलियास के कत्ल के केस में गिरफ्तार करने आए हैं। क्या? क्या क्या मतलब इस बात का? ये सब कुछ क्या हो रहा है? पुलिस क्यों आई है? बीबी आप इससे दूर रहिए, कानूनी कार्रवाई चल रही है, प्लीज। क्या मतलब? क्या मतलब कार्रवाई चल रही है? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? असल मेरे शौहर थे, मैं उन्हें कैसे कत्ल कर सकती हूँ? क्या फराज बोलो ना, समझाओ उन लोगों को, क्या कह रहे हैं ये लोग? बीबी इस केस से जुड़े तमाम मुजरिमान को हम पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं, उसमें आपका भी नाम है और आप हमारे साथ चल रहे हैं। हम इस प्लान में दोनों पार्टनर्स थे। मैंने तुम्हें तुम्हारा फराज दिलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कोई गेम करो या उसे मुझसे शादी करने के लिए राजी करो, वरना खुदा की कसम मैं तुम्हारा सारा गेम खराब कर दूंगा। फराज, ये सब क्या कह रहे? ये सब झूठ बोल रहे, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं ये लोग। तुम तो जानते हो ना मैं असफन से कितनी कितनी मोहब्बत करती थी, हम लोगों ने पसंद की शादी की थी आपस में, तुम सब जानते हो ना फराज। तुम मुझे यूनिवर्सिटी से जानते हो ना, है ना? तुम मुझे खुद बताओ मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, तुम जानते हो ना मैं ऐसा नहीं कर सकती ना फराज। वो तो झूठ बोल रहे, आरिफ झूठ बोल रहे। रीम, आरिफ का नाम तो किसी ने लिया ही नहीं है। लेडीज कॉन्स्टेबल्स को भेजें अंदर, गिरफ्तार करें इनको। कोई गिरफ्तार नहीं करेगा मेरी बेटी को। आप बीच में नहीं आए, आप बीच में नहीं आए। ये कानूनी कार्रवाई, आप बीच में नहीं आए। भाई साहब आप मना करें, पर आज हरीम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तुम जानते हो उसे। पर आज हरीम को रोको, उन्हें मना करो, उन्हें मना करो।